स्टार प्लस के सीरियल फालतू में अयान अपने परिवार वालों के साथ है। वह उसे इस बात की खुशी है कि उसके परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई है, लेकिन इस वजह से फालतू और अयान के रिश्ते बिगड़ गए हैं, क्योंकि अयान को लगता है कि फालतू ने उसे धोखा दिया है। लेकिन अब फालतू इस कोशिश में लगी है कि किस तरह वो अपनी बेगुनाही को साबित करे। एक बार पहले भी मैं मार्ट साहब से बात छुपाने की गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा ना, उन्हें सब कुछ बता देती हूँ और उनका मन हुआ तो वो भी साथ चल लेंगे। इतनी मुश्किल से तो इनको नींद आई होगी, इस वक्त जगाना ठीक ना होगा। क्या करूं, उन बिना लाई अपना। हाँ ये करती हूँ, एक चिट्ठी लिखकर छोड़ जाती हूँ। अरे वापस आने से पहले भी इनकी नींद खुली तो पढ़ लेवेंगे, ये तो तसल्ली रहेगी मारे को कि मैंने इनसे अब कोई बात ना छुपाई है। मार्सा भी वहीं आ जावेंगे और रास्ते में एक बार फोन से भी मैसेज कर दूंगी। फैमिली के लिए बहुत खुश है और बेसिकली बाबा के लिए, घर वालों के लिए, बट अंदर तो अभी भी वही दर्द बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि अयान को ऐसा लग रहा है कि फालतू ने उसे धोखा दे दिया, जो कि नहीं दिया है। बट ऐसा तनिषा ने अयान को जताया है कि फालतू मतलब वो कैरेक्टर पे शक और वो सब वीडियो ऐसे एडिट करके दिखाया है कि अयान का दिमाग ख़राब हो गया। एंड ही इज़ नॉट एंग्री, ही इज़ हार्ट ब्रोकन एंड ही इज़ नम फ्रॉम इनसाइड। तो जो होगा किसी का भी, आप किसी से बहुत प्यार करते हो, वो आपके साथ ऐसा कर जाए तो पागल हो जाता है इंसान। पर गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ एडिटेड है। आप एपिसोड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फालतू ने कोई धोखा नहीं दिया है, क्योंकि फालतू के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है मार्ट साहब। बट एक गलती हो गई, जो भी अच्छाई है फालतू की, इंसानियत के नाते चली गई शनाया को बचाने, तो वो नहीं जाना चाहिए था। बट अब फालतू इसीलिए इतनी अच्छी है ना दिल की, कि किसी की जान जा रही है तो फिर फंसाया गया फालतू को, इसलिए जाना पड़ा। Yes. और मैं मार्ट साहब के लिए एक चिट्ठी भी छोड़कर गई थी, अब उसका क्या होगा वो आप एपिसोड में देख लेना। चिट्ठी तो कबूतर लेके उड़ गया। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम लोग फाइनली केस जीत गए हैं, सच्चाई की जीत हुई है। पर कहीं ना कहीं अभी फालतू अयान वो खुशी साथ में नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और जो भी नाराज़गी है, पर फालतू मना लेगी मार्ट साहब को जल्दी। पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पता नहीं और उसमें ना आग में घी डाले जा रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। तनिषा ने वीडियो एडिट की है, वॉइस कॉल का जो कॉन्वर्सेशन था वो एडिट किया है। सो तनिषा भी बहुत हद तक गिरती जा रही है फालतू अयान को अलग करने के लिए, और अब तो रूहान और शनाया भी फालतू अयान को अलग करना चाहते हैं, पर फयान को कैसे अलग करेंगे वो देखना है। आई डोंट थिंक सो होंगे। तो मार्ट साहब को शक तो नहीं है फालतू पे, ही नोज की फालतू क्या है और कैसे, पर अब इतने सारे प्रूफ्स दिखाए जाएंगे तो कोई भी मान ही लेगा। तो फालतू तो मनाने की पूरी कोशिश करेगी, पर उसमें और इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं बीच बीच में, तो अब लेट्स सी कैसे होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।